नैनीताल में वाल्मीकि महापंचायत अधिवेशन क्लब आयोजित किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र अधिवेशन में शामिल हुए। अधिवेशन में आरक्षण को लेकर व वाल्मीकि समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई। अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का जो उल्लंघन किया गया उसके लिए पूरे देश में विरोध करेंगे। सरकार वाल्मीकि समाज का साथ देगी व उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता में आएंगे। साथ ही कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री से काफी उम्मीदें हैं। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। कर्मचारियों को अच्छी नौकरी मिले तो वो कच्चे ना रहे, पक्के हो जाएं, और आरक्षण का लाभ उनको मिले, सभी कर्मचारियों को, उनकी तरक्की हो, इस संदर्भ में कर्मचारी यूनियनों के जो यूनिट्स हैं, ट्रेड यूनियन नेता यहाँ पे थे, अभी सामाजिक संगठन भी थे, और पंचायत के सरपंच हमारे मध्य में नैनीताल के, दूसरे अन्य संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पे थे, वाल्मीकि जो अपने जन्मोत्सव कमेटी है उनके पदाधिकारी भी थे, और अन्य जो संगठन मजदूर संगठन उनके अध्यक्ष भी यहाँ पे थे। तो सभी चीजों पर, सभी मुद्दों पर बात हुई। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया आरक्षण में, आरक्षण की सुविधा, उसके संदर्भ में भी हमारी काफी चर्चाएं हुई, और हम इसका, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका समर्थन करते हुए, हमारी अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत उस निर्णय का समर्थन करते हैं, और जो पुष्कर धामी जी की सरकार यहाँ पे है उनसे अपील करते हैं कि हमारे जो निगम कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करें, और ये जो आरक्षण का जो लाभ हमें मिलना आवश्यक है उसको भी यहाँ पे लागू करें। ये हमारी पुष्कर धामी सरकार जो भाजपा की है उससे अपील है।